मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंशानुसार कौमी एकता की मजबूती के उद्देश्य को लेकर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। विगत 7 जुलाई को सिख समाज की बैठक रखी गई थी, जिसमें सिख समुदाय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सरकार आने पर सिख धर्म स्थलों की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्थल में जोड़ने का वादा किया और प्रिंस सलूजा को कौमी एकता जिला जबलपुर ग्रामीण का अध्यक्ष का पद देकर नवाजा गया। प्रिंस सलूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष कौमी एकता प्रकोष्ठ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सच सलूजा और नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू को जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया और कौमी एकता को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के द्वारा एक सिख समाज की बैठक रखी गई थी, जिसमें उन्हें एक प्रस्ताव सिख समाज की तरफ से रखा था अपना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्थल की यात्रा कराने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। जब सरकार आएगी तो ये यात्रा है वो फिर से चालू करेंगे जो 2019 में उन्होंने कराई थी। उस मीटिंग के बाद मुझे भोपाल बुलाया गया 11 तारीख को और मुझे एक नई जिम्मेदारी, मतलब मुझे कांग्रेस की कमेटी द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई कौमी एकता प्रकोष्ठ की तरफ से। माननीय कमलनाथ जी ने मुझे कौमी एकता का अध्यक्ष बनाया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सर सलूजा जी एवं जबलपुर के नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी द्वारा अनुमोदन किया गया था मुझे। रविवार को आदिवासी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी संघ ने जबलपुर में भव्य कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ादेव पूजन के साथ की गई, जिसमें आदिवासी बच्चों का सम्मान और उन्हें पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि हरि सिंह गौड़, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय आनंद मनावी और डॉक्टर HS मरकाम की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आदिवासी लोक संगीत का आयोजन भी हुआ। SP मनावी प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम करने का हमारा उद्देश्य था हमारे समाज में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मान करना। कार्यक्रम आज दिनांक 16/7/2023 को आदिवासी शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का कार्यक्रम जो है किया गया। इसमें हमने सभी जिलों से बच्चों को बुलाया, जिनका राजेश सिंह मोहन प्रांत अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संघ। हम लोग का उद्देश्य ये है कि हमारे जो 12वीं पास 9 बच्चे आए हैं, जिन जो चौराहे में खड़े होते हैं उनको पता नहीं रहता हमें क्या करना है, उनको मोटिवेट करना, उनके उद्देश्यों का पूरा करने में सहायता करना और उनको अभी हम लोगों ने मेडल।